रहीम ये हमारी एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सिक्स और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सिक्स टू के प्लस सेवन सिक्स के माइनस टू एंड एट के माइनस फोर आर इन रेथमेटिक प्रोगशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन ए पी देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म आर दीज टू टर्म विल बी सेम जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं सिक्स के माइनस टू माइनस टू के प्लस सेवन इससे जो वैल्यू आएगी वो d होगा इसी तरीके से 8k के माइनस फोर में से अगर हम माइनस करेंगे 6k के माइनस टू तो okay. वो भी सेम d होगा किसी भी दो कन्जर्गेटिव टर्म्स को अगर माइनस करें तो उससे एक फिक्स डिफरेंस आता है जिसको हम d कहते हैं जब दोनों डी के इक्वल है इसका मतलब ये तमाम वैल्यू इसके इक्वल होगी यानी सिक्स के माइनस टू माइनस टू के प्लस सेवन इज इक्वल टू एट के माइनस फोर माइनस सिक्स के माइनस टू सिक्स के माइनस टू माइनस टू के माइनस सेवन इज एक टू एट के माइनस फोर माइनस सिक्स के प्लस टू सिक्स के माइनस टू के फोर के माइनस टू माइनस सेवन माइनस नाइन एट के माइनस सिक्स के टू के माइनस फोर प्लस टू माइनस टू फोर के माइनस टू के इस साइड पर आएगा तो माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस नाइन उस साइड पे तो प्लस नाइन एन माइनस टू टू के इज इक्वल टू सेवन के इज ईक्ल टू सेवन बाई टू अब हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है कि ये क्या है तो हम के की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं टू के प्लस सेवन सिक्स के माइनस टू एट के माइनस फोर टू k is 7 by 2 plus seven six seven by 2 minus two eight seven by 2 minus 4 2 and 2 cancel 7 plus 7, fourteen two ones are 2 two threes are 6 seven threes are twenty one twenty 2

सिक्स एंड ए सिक्स माइनस ए फोर इज इक्वल टू टू बाई थ्री तीस टू इक्वेशन आर गिवन फाइंड द एरेथेमेटिक सीक्वेंस तो हमें अरेथमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर दी है अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास ए फाइंड हो जाए और डी फाइंड हो जाए तब हम एरेथमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं पहले इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करते हैं इक्वेशन वन एंड टू प्लस ए फोर ये कैंसल टू ए सिक्स इज इक्वल टू सिक्स और टू बाई थ्री को ऐड करेंगे तो टू ए सिक्स इसका एलसीम थ्री थ्री को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन और थ्री एंड थ्री कैंसर ऊपर टू 2a6 ए सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई थ्री किसके इक्वल होगा? आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकें टू वन जार टू और टू टेन जार ट्वेंटी ए सिक्स इज इक्वल टू टेन बाई थ्री ये हमारे पास ए सिक्स की वैल्यू आ गई अब इस ए सिक्स को हम इक्वेशन वन या टू में पुट करते हैं पुट

a4 फोर इज इक्वल टू एट बाई थ्री एड बाई हमें a4 भी फाइंड हो गया है और a6 भी फाइंड हो गया है अब हम जर्नल equations में ये वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमारे पास A and D फाइंड हो जाए द जर्नल इक्वेशन ऑफ़ अरेथमेटिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी इसवेशन नंबर थ्री पुट एन इज इक्वल टू सिक्स क्योंकि हमने ए सिक्स की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन थ्री तो ए सिक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस सिक्स माइनस वन

ए फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस फोर माइनस वन डी एंड ए फोर इज एट बाई थ्री ए वन प्लस थ्री डी फोर माइनस वन थ्री डी या इसको हम लिख सकते हैं ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू एट बाई थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव अब हम फोर में से फाइव को माइनस करते हैं फोर हमारे पास है ए वन प्लस फाइव डी इज इक्वल टू टेन बाई थ्री और फाइव है ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू एट बाई थ्री इसको माइनस करने के लिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, ये कैंसल फाइव डी माइनस थ्री डी टू डी इज इक्वल टू टेन बाई थ्री माइनस एट बाई थ्री टू डी इज एकवल टू थ्री इज एल सी एम टेन माइनस एट टू डी इज एकवल टू टू बाई थ्री टू यहाँ पे आप डायरेक्ट काट सकते हैं d इज एक टू वन बाई थ्री आपको d फाइंड हो गया है अब d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में या तो आप इसको थ्री में पुट कर लें या फोर में ताकि आपको a की वैल्यू भी फाइंड हो जाए पुट

ए वन इज एक टू थ्री एल से टेन माइनस फाइव ए वन इज़ इक्ल टू फाइव थ्री ए वन की वैल्यू हमारे पास फाइव बाई थ्री आ गई और डी हमारे पास था वन बाई थ्री अब हमें बाकी सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास जनरल टर्म ये था एन इज एक टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी ये इक्वेशन अब हम इसमें सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए पुटिंग एन इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन थ्री तो ए टू इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज फाइव बाई थ्री प्लस द वैल्यू ऑफ एन इज़ टू माइनस वन एंड डी इज वन बाय थ्री तो ए टू इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री प्लस वन बाय थ्री A2 is equal to 3 LCM, 5 plus 1, A2 is equal to 6 by 3, A2 is equal to 2. Second term is 2. Put n is equal to 3 in equation 3. A3, A3 is equal to A1 is 5 by 3 plus 3 minus 1 n is 3 minus 1 and d is 1 by 3 a 3 is equal to 5 by 3 3 minus 1 2 2 1's are 2 by 3 a 3 is equal to the lcm is 3 5 plus 2 third term is 7 by 3 hence द एरेथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ फर्स्ट टर्म इज़ फाइव बाई थ्री सेकेंड टर्म इज़ टू एंड थर्ड टर्म इज सेवन बाई थ्री एंड सो ऑन क्वेश्चन एट में है कि अगर ये ये और ये अरेथेमेटिक प्रोग्रेशन में है तो देन वन बाई ए एंड वन बाई बी एंड वन बाई आर इन अरेथेमेटिक प्रोग्रेशन जब ये तीनों अरेथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा यानी सी सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी यानी इन दोनों से जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों डिफरेंस के इक्वल होगा अब इसका हम एल ले लेंगे ए इसका एल आएगा बी और बी कैंसिल ये ए जो है ये सी प्लस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए और ए कैंसिल ये बी बी प्लस सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू इन दोनों का एल सीम भी लेंगे सी बी सी एंड सी कैंसल ये बी ए प्लस बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एंड बी कैंसल सी इज मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए माइनस बी अब ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस एन माइनस प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस बी स्क्र माइनस बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी सी ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस एंड माइनस प्लस बी सी डिवाइडेड बाय सी बी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए सी एंड माइनस बी सी डिवाइड बाई एज़ इक्ल टू इस साइड पे माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल रह जाएगा बी स्क्वा माइनस सी स्क्वा प्लस ए बी माइनस ए सी डिवाइड सी बी ये भी दोनों साइड पे है तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी इन दोनों में से हम सी कामन निकाल लें तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो बी प्लस सी और बी माइनस सी इन दोनों में से ए कामन निकाल लें तो आ जाएगा बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी ए माइनस बी और ए माइनस बी इसमें कॉमन है इन रह जाएगा ए प्लस बी एंड प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए यहां पे बी माइनस सी कॉमन तो इन रह जाएगा बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी अब ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी ये ए की वैल्यू है तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट इसको भी कैंसिल कर दें तो रह जाएगा ए माइनस बी बाय ए एंड बी बी माइनस सी बाय सी क्रॉस मल्टीप्लाई सी को यहाँ पे ले आएँ ए माइनस बी ए को उस साइड पे ले जाएं तो ए बी माइनस सी ये मल्टीप्लाई करें तो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी डिवाइड बाय ए बी सी इस पूरी इक्वेशन को ए बी सी पर डिवाइड करें ए सी डिवाइड बाई ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू ए By A, b, c A, c divided by ABC minus AC divided by ABC. AC and AC cancel 1 by B minus b c b c cancel 1 by A is equal to AB A, b cancel 1 by C minus AC AC cancel 1 by B. जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाए तो इसका मतलब क्या है अगर ये तीन नंबर ए पी में है तो फिर बी में से ए जो माइनस होगा इससे जो कॉमन डिफरेंस आएगा सी माइनस बी के इक्वल होगा यही सूरत हाल यहाँ पे है देखें लेकिन वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से कि वन है और यहाँ पर रिसिप्रोकल में है तो अगर वन बाई बी माइनस वन बाई एज़ इक्ल टू वन बाई सी माइनस वन बाई ए है इसका मतलब है कि वन बाई ए वन बाई बी और वन बाई सी जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि इससे भी यही आता है कि अगर आप वन बाई बी में से वन बाई ए को माइनस करें या वन बाई सी में से वन बाय बी को तो इक्वल आएगा यही रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब है कि वन बाय ए वन बाय बी एंड वन बाय सी इन एरेथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ये हमारे पास वर्स प्रॉब्लम है अ बाल रोल अप इन एन इन इंक्लाइन प्लेन इस तरह इंक्लाइन प्लेन है और एक बाल इसके ऊपर ऊपर जा रही है बाल रोल अप एन इन क्लाइं प्लेन कवर ट्वेंटी फाइव मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड यानी यह हमारे पास पहला टर्म है ट्वेंटी फोर मीटर इन फर्स्ट सेकेंड ट्वेंटी वन मीटर ड्यूरिंग द सेकेंड ए टू ट्वेंटी वन मीटर सेकेंड सेकेंड में ट्वेंटी वन मीटर जाती है एंड इन थर्ड सेकेंड इट ट्रेवल्स एटीन मीटर हाउ फाइंड हाउ मैनी मीटर इज कवर इन द एट सेकेंड एन इज इक्ल टू एट यानी आठवें सेकेंड में ये कितने मीटर ऊपर जाएगी एट सेकेंड में तो हमें एट फाइंड करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए हमने 21 में से 24 माइनस तो इससे आएगा माइनस थ्री जर्नल टर्म इज़ एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी ए एट इज़ इक्वल टू ए वन इज़ ट्वेंटी फ़ोर प्लस एट माइनस वन एंड डी इज़ माइनस थ्री A8 is equal to 24 plus minus minus 7 into 3. A8 is equal to 24 minus 7. 3 are 21. A8 is equal to 3 meter. Because here the unit is meter. In eight second the ball rolls 3 तो so, ये हमारे hamara आ गया gaya decreasing by 500 inhabitants each year. हर साल population में 500 हंड्रेड लोगों की कमी आ रही है यानी डी हमारे पास माइनस फाइव हंड्रेड है ये डिक्रीज है population in 1960 Yamaripas hamare paas Vohe 20135 peoples what is its population in 1970 पॉपुलेशन इन 1970 ये हमारे पास ए एन आ जाएगा ये फाइंड करना है 1960 से 1970 तक ये हमारे पास 10 एयर बनते हैं इसका मतलब है हमें ए टेन फाइंड करना है तो जनरल टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी a 10 is equal to first is 2 0 1 3 5 plus 10 minus 1 and d is 500 with negative sign a 10 is equal to 2 0 1 3 5 plus minus minus 9 into 10 minus 1 9 and 500 Two zero 0 1 3, 5 minus 9 5 are 45 and two zero we subtract the result is one five six three five. so population in 1970 is one five six three five. क्वेश्चन एलेवन अहमद एंड अक्रम कैन क्लाइम थाउजेंड फीट इन फर्स्ट आवर पहले घंटे में ये दो पर्सन थाउजेंड फीट ऊपर चढ़ते हैं एंड हंड्रेड फीट इन ईच सक्सीडिंग आवर और हर घंटे में ये हंड्रेड फीट जो है वो ईच और ये मज़ीद उसमें इजाफा होता है वेन विल दे रीच द टॉप ऑफ अ फाइव फोर ज़ीरो ज़ीरो फीट है इसका जो पहाड़ है इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो फ़ाइव फ़ोर ज़ीरो ज़ीरो फीट है तो कितने टाइम में यानी हमें एन फाइल करना है कितने टाइम में ये ऊपर चढ़ जाएंगे हमारे पास जर्नल टर्म है ए एन इज़ एक टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन फाइव फोर ज़ीरो ज़ीरो पहला टर्म है थाउजेंड प्लस एन हमें फाइंड नहीं है और डी है हंड्रेड फाइव फोर जीरो जीरो ये थाउजेंड इस साइड पे आएगा तो माइनस थाउजेंड इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड हंड्रेड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड में से थाउजेंड माइनस तो फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर्टी फोर हंड्रेड एन माइनस वन एंड हंड्रेड फोर फोर ज़ीरो जीरो हंड्रेड को इस साइड पे लें तो डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन टू ज़ीरो कैंसिल फोर्टी फोर इज ईक्ल टू एन माइनस वन फोर्टी फोर प्लस वन इज एक टू एन फोर्टी फाइव इज टू एन या एन इज़ एक टू फोर्टी फाइव तो एन हमारे पास फोर्टी फाइव आवर है इन फोर्टी फाइव आवर्स दिस टू परसन विल रीच एट दाइट ऑफ फाइव फोर ज़ीरो ज़ीरो फीट क्वेश्चन ट्वेल्व अ मैन अंस थ्री फाइव जीरो ज़ीरो डॉलर्स द फर्स्ट ईयर यानी ये हमारे पास ए वन है कितने डॉलर्स हैं थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो द फर्स्ट ईयर ही वर्क इफ ही रिसीव अ रेज ऑफ डॉलर फाइव सेवन जीरो ऐट द एंड ऑफ ईच ईयर ये इंक्रीमेंट है हर साल उसकी तनख्वाह में ये इजाफा होता है सेवन फाइव जीरो डॉलर एट द एंडच ईयर फॉर ट्वेंटी ईयरस व्हाट वाज हिज सैलरी ड्यूरिंग हिज ट्वेंटी फर्स्ट ईयर ऑफ दर् एन इज एक टू ट्वेंटी वन अगर साल गुजर जाए तो उसकी सैलरी क्या होगी यदि ए ट्वेंटी वन फाइन करना है तो जर्नल टर्म है ए एन इज एक टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी ए ट्वेंटी वन इज एक टू ए वन थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो प्लस ट्वेंटी वन माइनस वन डी इज सेवन फिफ्टी थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो Plus twenty into seven fifty three five zero zero plus twenty multiply seven fifty is one five zero zero zero. When we add these two, the result is one eight five zero zero dollar. After twenty one yes the salary of this person will be 18500 dollars